फ्लेम बाहर नहीं आती है ये, क्योंकि काली वाली दाल है तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसमें 35 मिनट्स लगेगा। और इसके लिए जो हमने ऑयल फ्री करना है तो उसके लिए हमने पहले ही ना इसको करके रख लिया है, अपना जिंजर और गार्लिक का पेस्ट कर दिया है हमने, क्योंकि कई बार वो माइंडसेट होता है कि वो कैसे तड़का लगेगा बिना ऑयल के। खाली इसको रख देते थोड़ा सा, वो रख के करें तब भी हो जाएगा उसको, क्योंकि ना एक किलो गाजर में एक कप दूध है ना, उसको डाल के स्टीम कर देंगे। जैसे स्टीम बन जाए उसके बाद आपने इसको सिम पे कर देना है। अगर गिर जाए तो हो सकता है कुछ नहीं होगा सर, डेंट पड़ेगा बट वो वारंटी में कवर नहीं होता, डेंट नहीं कवर होता, लेकिन एक बार बता रहा हूँ आपको कि बहुत सॉलिड है। नहीं इसके सर इतने उससे नहीं होते, इसके हैंडल जो है ना स्पेयर मिलेंगे किसी में, अगर हैंडल जो और इसको आप खुद भी ठीक कर सकते हो। जब भी आपने ना वेजी गरम करनी है तो एक तो कम पानी डालना है क्योंकि स्टीम से ही हो जाएगा, या एक टीस्पून पानी में ही आपका टेबल स्पून पानी में हो जाएगा। बाकी जब भी आपने सब्जियां गरम करनी है तो आपने नमक नहीं डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना है, नहीं डालना, उसको स्टीम करने के बाद अलग से जो आप तड़का बना रहे हो। कारण क्या है, आप अंडे उबालते हैं ना, नहीं ला सकते तभी तो उसके हिसाब से बनाएंगे। ये इंडिया में क्वीन कुकवेयर ही इसने लॉन्च किया है, क्योंकि ना हम लोग तड़के वाली हमारी प्रैक्टिस है, तो हमने खोल खोल के उसको तड़का कैसे कर ले। अगर इसमें भी हम सब कुछ डालने बंद करते हैं तो तभी बन जाएगा, बन जाएगा, ये होगा ना वो करने लगे। अब दो ही बिल देंगे, अब इसको बिल्कुल ना स्टीम बन गई, तो वही इसको तो वाइट लॉक वही है ना जिसको वो कर रहा है। अब मैंने इसको बेयर मिनिमम पे कर दिया, 200 पे कर दिया। अब जब हम सब्जियां खाते जैसे कोई भी वेजीज बनाते हैं तो सारी मिक्स होती हैं, बट अगर आप इसमें करके देखोगे ना आपको ब्रोकली का अपना टेस्ट आएगा और कैप्सिकम का अपना आएगा है ना, गोभी का अपना आपको टेस्ट आएगा। अलग तीन से एक कराऊंगा वन मील मेरा यही होता है, सुबह बॉडी की, दोपहर में और शाम को ये। नमक क्यों डालोगे? नमक हाँ मैं बता रहा हूँ, एग हम बॉइल कर रहे हैं उसके दो बड़ी सब्जी गर्म कर दी उसमें तो सब कुछ हमने पानी में डाला है। एक्चुअली है क्या, जब नमक हम कर रहे थे ना मतलब एग बॉईल करते थे, जब अंडे नहीं उबलते थे क्या करते थे, क्यों डालते थे, जल्दी उबलने जल्दी क्यों उबलता था, टेम्परेचर बढ़ जाता, बिकॉज पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से 110 115 हो जाता था, तो हाई टेम्परेचर में अंडा उबल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसमें नमक डाल दिया पहले तो अगेन वो 100 पे पानी बॉइल नहीं करेगा, अब वो हाई टेम्परेचर पे करेगा, तो हमने वही तो अवॉइड करना कि हाई टेम्परेचर में नहीं करना। और नमक का टेस्ट पहले डाला बाद में डाला मिक्स हो गए बर्तन डैमेज नहीं होगा, और वैसे ऐसे कुकवेयर तो बर्तन रिकमेंडेड वो नमक रिकमेंडेड नहीं है डालना, कई बार लोग नमक वैसे ही डाल देते हैं सिंपल, तो बर्तन को टच नहीं लिखा होगा नमक, मतलब सब्जी बाहर निकाल के बाद दोबारा
सब्जी बनने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे लगता नहीं मिलेगा इतनी सारी सब्जी में कुकर में बनी आना शुरू कर रहे हैं उसको स्टर करना मुश्किल होता है एक गिलास पानी में स्टर करने डायरेक्टली नहीं डालना आपने बर्तन में डालने में निकाल के अलग से उसको मिक्स करना हम लोग जैसे घर में पहले पुराने बर्तनों में खाना बनाते हैं ना कढ़ाई में सब्जी बनाई है कुछ है तो नमक तो मम्मी के लिए लास्ट में डालते तड़के में प्याज टमाटर जैसे बना लिया आलू गोभी डाल दिया फिर ऊपर से नमक डाल के फिर उसको मिक्स किया एकदम से कढ़ाई पे ना लेते वही पर्पज है इसका इसलिए बताया होगा कि लास्ट में नमक डालो शुरू से नहीं इसके छह मिनट इसके दस मिनट अच्छा एक बात करते हैं जिसमें ऊपर ही कर रहे देखो जितनी बार हम इसको ना यूज कर लेंगे ना घर पे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है ना और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट और दूसरी बात एक और है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना अगर हम बात करें ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को नहीं पता लोगों ने सुना हुआ इसके बारे में हल्का हल्का पता है सिर्फ बताना है और मल्टी लेवल मार्केटिंग में ना फेथ और रिलेशनशिप भी काउंट करता है ठीक है अब इस पर 6 EMIs पे आई है अभी आईफोन आया था 70,000 रुपये का 80,000 रुपये का ग्लोबल वन में था आईफोन 7 आया जब 45,000 रुपये तो ले लेता तो लोग 50,000 रुपये तो ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं और एप्पल को भी पता है कि नया अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको EMIs पे कर देते हैं स्पेशली या 8% आठ हज़ार कैशबैक पे दूसरा फोन ले लेते हैं और वो फोन लोग 6 से 8 महीने चलाते हैं तो माइंडसेट तो वही रहने वाला है कि अगर हम लेकर आ रहे हैं ये हार्ड 30,000 रुपये की MRP है 27,500 रुपये की DAP है 25,500 सिर्फ हमारे को पड़ रहा है 2,000 डिस्काउंट पे अगर हम अभी ऑर्डर करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट मिला दूँ अगर मैं और चेक मिला दूँ तो हमारे को 21,000 रुपये का पड़ रहा है ठीक है ना हमारे को पड़ रहा है अब क्वेश्चन ये है कि बिजनेस कितना बिल्ड करना चाहिए जिन चीज़ों पर काम करके जल्दी फायदा अब अपने माइंडसेट को तुरंत शिफ्ट करके दो चीजों पे ले आओ और वो है वाओ और ये क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं ठीक है मां खोलो पे पड़े 3 मिनट पड़े देखो सर नॉन स्टिक नहीं होता है ठीक है अच्छा नॉन स्टिक होता क्या बात है क्यों चिपकेगा नहीं टेफ्लॉन कोटिंग टेफ्लॉन कोटिंग क्या करती है वो ना ऑब्ट्यूज एंगल कर देती है लिक्विड को जैसे केले के पत्ते के ऊपर पानी रखा जाए तो पानी उल्टा रहता है ठीक है ना अब सिम करने का टाइम आ गया बिल्कुल उसको लो पे कर दिया ठीक है जी जैसे ही स्टीम आई मैंने इसको बिल्कुल लो पे कर दिया टेफ्लॉन को ये देखो अब ये देखो ना आप एक चीज नोट करो कि हमने इसको बिल्कुल ही उसमें रखा था और अब ये पानी आप करो ना इतनी बार डालो इतना ही नहीं इतना ही डालता क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको लो पे कर दिया गैस की बहुत मदद होगी सर और ऑयल की बहुत मदद होगी आपके जो अभी मैं देखा था उसमें सेवर लिखे हुए ये ना बेयर मिनिमम लेके लिखा है कि 30 सालों में आप 1.5-2 लाख रुपए तो वैसे बचा लोगे ठीक है ना 3 लाख का तो ऑयल ही खाया थे अच्छा मैं क्या बता रहा हूँ हाँ तो मिस्टर वड़ैच ने कल एक ही बार बोली कि अपनी पूरी टीम में एक बात कर लो कि हर लीडर 7 दिन वर्कशॉप करें चाहे 4 लेडीज को लेकर करो चाहे 4 कपल्स को लेकर करो 2 कपल्स को लेकर करो लेकिन 7 दिन एक वर्कशॉप से जरूर करो 7 दिनों में लॉ ऑफ एवरेज ये कहते हैं एक तो निकलेगा 7 वर्कशॉप्स में एक तो निकलेगा ठीक है प्लस एक वॉक क्योंकि वॉक के बाद 7 करनी है प्लस एक वॉक गया दोनों मिला के 500 पीपी हो जाएगा
और अगर एक बंदे के पर्सनल टीवी 500 हो जाए तो चार हफ्तों में कितने हुए? दो। और अगर 2000 पर्सनल टीवी तो चेक कितना बन रहा है? 32,000। क्रेडिट डिस्काउंट प्लस चेक मिला लो, 34,000 रुपीज। इसीलिए कई लोग बाहर सिर्फ इसी के ऊपर रिटेल के बोलते हैं, ठीक है। और आपको कितने रिटेल देंगे इस बारे में? 6-5। ठीक है ना। अच्छा मैंने क्या बोल रखा होगा, मैंने ज्यादा बोल नहीं रखा, मेरा सिर्फ दिमाग में है कि हर लाइन में 20 बुक कर रहा है, इसलिए हर एक की बुकिंग का मैं लिस्ट करा रहा हूँ, बुक करा लिया उन्हें आते कुछ ना करने के लिए लिस्ट मेरे पास। मैंने डेली बोला उनको अपडेट करना है क्योंकि हर लाइन में 20 बुक कर रहे हैं। 20 बुक को भी कितने भी हो गए? 6,000 भी लेकर जाना। आजकल सभी ना इसी पे काम कर रहे हैं, जो कोई है पानी इसमें ज्यादा डर है। नहीं, पानी तो ये एक बार ना आपको आंटी डिश की मास्टर है, जो मैंने अभी सूजी का हलवा भेजा था कॉन्टिनेंटल, और वो पूरे नॉर्थ इंडिया में भेज चुका प्रोग्राम की, इतना टेस्टी था वो, इतना टेस्टी आप खा कर रहे थे। वो क्या बनाया था आपने? रोल रोल से क्या बनाया था? अच्छा कुछ ऐसी डिशेज जैसे बची हुई ब्रेड नहीं होती जो साइड के बच जाते हैं उसकी क्या होता है? पुडिंग बनाएगी उसकी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है बहुत चीज छोड़ रखी पंजाब में, जैसे एक एनर्जी है ना, जब पकौड़े खाते हैं उनको गिल्ट नहीं आ रही थी कि पकौड़े खा लो, क्योंकि क्योंकि वो अभी बैठेगा ना सक्शन हो जाएगा तो क्या हम बना रहे हैं उसका अलग अलग टाइप है। ये एक्चुअली इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस है टाइमिंग सेट हो गई कौन सी चीज बन जाती है। और अच्छा अभी ये करते हैं काम, एक तो देखो अरे लिखना सही है सेट है ना, अब बाकी देखो जब भी आप डेमो करोगे ना तो एक बार आपने घर में जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम घर में गैस पे बना के चलते हैं, ठीक है ना। हम डेमो करेंगे तो हमें इंडक्शन कैरी करना पड़ेगा, तो इंडक्शन पे आपने बना के एक बार खुद चेक करना है, कहीं भी डेमो देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिम कहाँ पर सेट हो रहा है इसका, या इसकी लो फ्लेम कहाँ सेट हो रही है, आपने खुद एक बार डेमो करना है किसी भी चीज का, ऐसा ना डेमो करने का इशारा पड़ गया। बाकी हमें किसी पे डिपेंड चीजें हमने अपनी रखनी है अपने पास, ठीक है ना। वैक्यूम लॉक हो गया ना, भाई बैठेगा थोड़ी देर होगा उसके बाद करेंगे।
बड़े वाला नहीं चलेगा कड़छा सारे गलत दो पीस गए।